once again. नमस्कार दोस्तों, jobclicks.in में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं BSTC सेकंड काउंसलिंग के लिए वैकेंट सीट्स के बारे में। इसके अंदर हम आपको कैटेगरी वाइज सीट्स कौन से कॉलेज में कितनी अवेलेबल हैं इसे बताएंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट न्यूज़ आपके पास आती रहे। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आज हम बता रहे हैं आपको BSTC के जो अपवर्ड मूवमेंट है वो स्टार्ट हो चुका है। देखिए दोस्तों, जो BSTC का अपवर्ड मूवमेंट 9 जुलाई को स्टार्ट होने वाला था वो आज स्टार्ट हो चुका है और ये 11 जुलाई तक चलेगा। और इसके जो लिंक्स हैं वो इसके ऊपर वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपडेट हो चुके हैं, जैसा कि हमने स्क्रीन पर बताया है वह अपने अपडेट हो चुके हैं। तो ये जो उसका अलॉटमेंट का जो रिजल्ट आने वाला है जो 13 जुलाई को अवेलेबल हो जाएगा, और जो आपको रिपोर्टिंग करनी है वो 14 से 16 जुलाई तक रिपोर्टिंग करनी है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, जैसा कि हम बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं हमारे दोस्तों के कि सर हमें वैकेंट लिस्ट कितनी है, वैकेंट सीट्स कितनी है कॉलेजेस के अंदर वो बताइए। तो उसके लिए हमने ये वीडियो बनाया कि दोस्तों, जो वैकेंट लिस्ट है वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट हो चुकी है। देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि BSTC जनरल कॉलेज वैकेंट लिस्ट एंड BSTC संस्कृत कॉलेज वैकेंट लिस्ट। तो इसके अंदर आप अगर BSTC जनरल के लिए सीट्स जानना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करिए और आप जनरल के लिए देख सकते हैं, और इसी तरह संस्कृत के लिए भी वैकेंट सीट्स हर कॉलेजेस में कैटेगरी वाइज देख सकेंगे। और अगर आप लोग आपको अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे अप्लाई लिंक दिया गया है, उस पे अप्लाई करके कर सकते हैं। तो हम अभी वैकेंट सीट्स के बारे में बात करेंगे। आपके सामने जो PDF दिया गया है उसके अंदर पूरे जितने भी राजस्थान के अंदर टोटल कॉलेजेस हैं उसके वैकेंट सीट्स के कैटेगरी वाइज सीट्स अवेलेबल हैं उसको बताया गया है। तो हम देखते हैं कि दोस्तों कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं कितने कॉलेजेस के अंदर। तो यहाँ पे हम जैसा कि देख रहे हैं टोटल 311 कॉलेजेस के अंदर सीट्स अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, यह बहुत खुशखबरी की बात है कि जो सेकंड काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे हैं उनको सीट मिलना थोड़ा इजी होगा, मतलब मिल सकेगी उन्हें। तो अब हम इसमें जो PDF के अंदर जो कॉलम्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कि जैसे कि कोड नंबर 101 SBM कॉलेज है इसका नाम, इसका टाइप है वो है को एजुकेशन, मतलब को एजुकेशन है इसका टाइप। और इसके अंदर टोटल 100 सीट्स अवेलेबल हैं। तो सीट्स जैसे कि SC, ST, OBC, TST सीट्स कैटेगरी दी गई हैं, जिसके अंदर SC के अंदर 0, ST के अंदर 0, OBC के अंदर 2 सीट्स अवेलेबल हैं, इसी तरह जनरल के अंदर 2 सीट्स अवेलेबल हैं, इसी तरह और भी कैटेगरीज की इसके अंदर दे रखी हैं, जैसे कि ये हैं फीमेल, F मतलब फीमेल है, फीमेल SC के अंदर सीट्स अवेलेबल हैं, इसी तरह फीमेल TST के अंदर 1 सीट अवेलेबल हैं। और इसी तरह हम देखेंगे कि फीमेल जनरल के अंदर 1 सीट अवेलेबल हैं, इसी तरह टोटल इसके अंदर जो सीट्स अवेलेबल हैं वह हैं 6 सीट्स। इस कॉलेज के अंदर 6 सीट अवेलेबल हैं टोटल। इसी तरह दूसरे कॉलेजेस के अंदर भी देखिए, जैसे कि 6, 10, 9, 6, 8, इस तरह बहुत सारी सीट्स अवेलेबल हैं। जैसे कि बहुत कुछ कॉलेजेस हैं जिसके अंदर ज़्यादा सीट्स भी अवेलेबल हैं, जैसे 14, 10 और भी हैं जैसे 13। तो ये सीट्स काफ़ी होती है सेकंड काउंसलिंग के लिए लोगों को सीट मिलने के लिए। तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है जो कि सेकंड काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको यह मौका गंवाना नहीं है। अब ये देखिए, जैसे कि ये सवाई माधोपुर का कॉलेज है जिसके अंदर 13 सीट्स अवेलेबल हैं, इसी तरह एक जयपुर का कॉलेज है जिसके अंदर 20 सीट्स अवेलेबल हैं। इस तरह आपको जो सेकंड काउंसलिंग के अंदर मौका मिल सकता है। तो दोस्तों, आप अभी जो अपना कॉलेज चेंज करवाना चाहते हैं वह अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करके अपना कॉलेज चेंज कर सकते हैं। और जो लोग सेकंड काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे हैं वह अपवर्ड मूवमेंट कंप्लीट 16 को हो जाएगा, उसके बाद में आप सेकंड काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।